तो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और आइए आज बनाते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से डांडिया। तो इनको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है वेस्ट पेपर का। न्यूज़ पेपर ले लिया है मैंने और उसका बीच में से एक पार्ट निकाल लिया है और उसके जो बिल्कुल जैसे पेपर फोल्ड होके आता है ना आपके घर पे, उतना बड़ा पीस कट कर लिया है। एक न्यूज़ पेपर के चार पीसेस कट कर लिए हैं फोल्ड करके, जो हमारे चार पीसेस होते हैं, चार फोल्ड वो कट कर लिए और एक पीस मैंने ये ले लिया है। इसके बाद एक साइड से आप हल्के हल्के इसको ना फोल्ड करने की कोशिश करेंगे और राउंड सा इसको हम फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे फोल्ड होना। और देखिए ये शुरू हो गया है, नहीं तो आप थोड़ा सा पेपर फोल्ड कीजिए, उसके बाद इसको स्टिक की तरह हम बना लेंगे, फोल्ड करते चले जाएंगे। देखिए अब ये आराम से हो रहा है, इसको साइड से पकड़ के ही फोल्ड कीजिएगा क्योंकि अगर आप बीच से पकड़ेंगे तो ये एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला हो जाएगा। तो अगर आपको बराबर की स्टिक चाहिए बनाने के लिए तो फिर आप इसको बीच से ना पकड़ के दोनों साइड से पकड़ेगा और लास्ट तक पहुँचते देखिए कितने अच्छे से रोल होने लग गया। इसके बाद आप चाहें तो फेविकॉल लगा के इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको पेस्ट ना करके दूसरा न्यूज़पेपर इसी जो कॉर्नर इसका रह गया था वहीं से लगाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे हम चार पेपर यूज़ कर रहे हैं, हाफ 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 चार पेपर यूज़ कर रहे हैं, 1/4 जो पेपर होता है हमारा उसका। और देखिए मैंने दूसरा भी इस पर लपेट दिया, इसी तरह से तीसरा सिंगल पेपर है, तीसरा पेपर भी मैं उतना ही इस पर यूज़ कर रही हूँ और एक और पेपर में लगाऊंगी और उसके बाद मैंने इसमें फेविकॉल लगा के इसको सील कर दिया। और देखिए ये रेडी हो गया। अब इसके एक साइड से हम इसको कट कर देंगे क्योंकि ये बहुत अनइवन है ना, कट करने में हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो। तो अगर आप छोटे हैं, बच्चे हैं और बना रहे हैं ये, तो अपने पेरेंट्स के साथ इसे बनाइएगा। और देखिए मैंने इंची टेप से 12 इंच इसमें मेजरमेंट लेके कटिंग कर ली। आप चाहे तो स्केल से भी इसको मेजरमेंट ले सकते हैं और 12-12 इंच के मैंने ये स्टिक्स रेडी कर लिए हैं और ये चारों रेडी हो गए हैं। अब मैं दो एक डिज़ाइन के बनाऊंगी और दो दूसरे डिज़ाइन के, एक पेयर एक डिज़ाइन का बनाऊंगी। इसके लिए जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो उससे बनाइए। देखिए ये हमारे पास है गोल्डन टेप, बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है ये, बहुत आराम से मिल जाता है। इसको जहाँ से ओपन है वहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है, होल है इसका, उस पर लगा देंगे और इसको हम सील कर देंगे। दूसरी तरफ मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसमें लटकन लगाना चाह रही हूँ। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो लटकन तो ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है, तो आप इसको दूसरी तरफ से अभी ही सील कर दें। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से 2 इंच दोनों तरफ से मेजरमेंट लेके इसमें मार्किंग कर ली है और यहाँ तक मैं गोल्डन टेप लगा रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि इसको स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा लपेटेंगे ऐसे ही जो हमारा टेप है, और उसके बाद हल्का सा तिरछा करके नीचे लाएंगे और टेप को बहुत ज़्यादा मत खोलिएगा, अदरवाइज़ वो ठीक से नहीं फोल्ड हो पाएगा इसके ऊपर। अब मैंने देखिए मेजरमेंट ले लिया है और यहाँ तक है मेरा, 2 इंच ऊपर का छूटेगा ना वो है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ और इसको फोल्ड करने के बाद जब ये इस पर पूरी तरह से फोल्ड हो जाएगी तो कितना होगा वो भी मार्किंग मैंने कर ली। और मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी और इसी तरह की एक और पीस मैं कट कर लूँगी क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं ना, दो का पेयर होता है डांडिया का, तो दूसरे के लिए भी मैं अभी कटिंग करके साथ साथ दूसरा भी बनाती जाऊँगी। और देखिए अब दूसरी साइड पे भी जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पे भी मैं इसको लगा रही हूँ गोल्डन टेप को, और हल्का सा तिरछा करके ऊपर की तरफ लेते आइए। एक जगह पे बहुत ज़्यादा टेप मत यूज़ कीजिएगा और बहुत कम टेप खोल के ही कोशिश कीजिए कि आप इसको इस पर लगाएं। तो देखिए बहुत सुंदर लगता है और यहाँ पे लटकन लग जाएगी, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब मैं इस पर फेविकॉल लगाऊंगी और फेविकॉल लगाने के बाद इसको इस पर पेस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास ग्लू गन है, हॉट ग्लू गन होती है ना वो है, तो वो बहुत इजीली बन जाएगा ये, उस पर पेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है हॉट ग्लू गन से। इसके लिए अगर आप फेविकॉल यूज़ कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है इसको पेस्ट होने में, तो अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो ज़रूर उसके लिए जाएं। लेकिन अगर फिर से मैं कहूँगी बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ पेरेंट्स के साथ इसे बनाएं। जब भी आप कोई ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं या फिर ग्लू गन वगैरह यूज़ करते हैं, तो देखिए अब इस तरह से ना मैंने ये पूरा इसको पेस्ट कर लिया दोनों पे, और मेरे पास है ये लेस, मैं इसका यूज़ करी हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो गोल्डन लेस आती है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे स्टिकर्स आते हैं उनका यूज़ आप इस पर कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैंने इस तरह से ग्लू गन का यूज़ करते हुए इस पर दोनों साइड पे ये लेस लगा दी है। और ये लेस ना कई बार आपको
वेस्ट जो हमारे यहाँ होता है उस सामान में भी बहुत सारी जगह मिल जाएगी। जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट के जो बॉक्सेस होते हैं ना, उसमें बहुत सारी लेस लगी होती है, उसका यूज़ भी आप यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास बहुत सारी बीट्स थी तो उनका मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप किसी और चीज़ से भी लटकन बना सकते हैं। और देखिए, एक मोती, उसके बाद एक और, फिर ये एक रेड कलर का, और फिर चार पांच हम इसमें वाइट यूज़ कर रहे हैं, और बस ये रेडी हो जाएगी। उसके बाद लास्ट वन जो हमारा मोती है, उसको भी मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगी, जिससे ये बहुत ज़्यादा मूव ना करे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है रेड एंड वाइट का ये कॉम्बिनेशन। और आप चाहें तो कलर कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। अगर आपको ब्लू के साथ बनाना है गोल्डन का, तो ब्लू के साथ बना सकते हैं। ग्रीन के साथ बनाना है तो ग्रीन के साथ बना सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की चॉइस टोटली आपकी है। इसके बाद देखिए, इस धागे को मैंने साइड के होल में अंदर डाल दिया है, और नहीं हो रहा है तो हम थोड़ी सी सीजर्स की हेल्प ले लेंगे। और मैंने ग्लू गन यूज़ किया, आप चाहें तो फेविकॉल इसके अंदर फिल करके ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये अपने आप पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये मेरा तो इंस्टेंट हो गया है क्योंकि मैंने ग्लू गन यूज़ की है। और अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पर सील कर देंगे टेप से, इसको हम बंद कर देंगे जो होल है। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएंगे, ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। और ऊपर वाली तरफ जहाँ पे मैंने ये टेप लगाया है, वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा टेप लगा के इसको रोल कर दूंगी, और हमारे रेडी हो गए हैं। देखिए दोनों डांडिया, और बहुत सुंदर लग रहे हैं, और लग रहा है आपको कि हमने न्यूज़पेपर से बनाए हैं। ये टेप बहुत सस्ते आते हैं और बहुत ईजिली अवेलेबल है, और बहुत सुंदर लगते हैं, तो बहुत अच्छे से आपका बन जाएगा। अब चलिए दूसरा डांडिया मैं बनाती हूँ, दूसरा डिज़ाइन। इसमें भी मैंने 2-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे मार्किंग कर ली है, और मैं ब्लू टेप का बीच में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो, जैसे मैंने पहले कहा कि कलर कॉम्बिनेशन की चॉइस आपकी है, इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ मैंने एक बार इसको अच्छे से रोल किया है, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको नीचे की तरफ लेते आएंगे। मेरा टेप टूट गया था तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से ये टूटा था, और फिर से मैं इस पर लगाती चली जा रही हूँ। धीरे धीरे स्टिक को घुमाइए, और अपना टेप भी घुमाते चाहिए, तो बहुत अच्छे से आराम से ये हो जाता है। और लास्ट में जहाँ पे मार्किंग है, वहाँ पे फिर से हम इसको सर्कल में ले आएंगे, राउंड पर लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। बस देखिए कितना इजी और कितने आराम से रेडी हो गया। अब मैंने दोनों तो कवर कर लिया। अब देखिए, मेरे पास तो ये है जो हमारे कपड़े के बैग्स आते हैं ना, उसका एक पीस लिया है मैंने, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह रेड, येलो, ग्रीन कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। और इसको दो पार्ट्स में कट कर लिया मैंने, दो है तो दोनों ही 3-3 इंचेस के हैं, और ऊपर से लगभग 0.5 सेंटीमीटर का मैंने उसको फोल्ड किया है। फोल्ड क्यों किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसमें यहाँ पे बहुत पतली पतली कटिंग कर लूँगी पीछे से, देखिए इस तरह से, बस ऐसे ही पूरे में करते चले जाना है हमें कटिंग। और ये जो फोल्ड किया है ना, उस लाइन के आगे नहीं जाना है हमें। उस लाइन के आप आगे जाएंगे तो आपका पेपर फट जाएगा और ये नहीं बन पाएगा जो हम नीचे की लटकन बना रहे हैं, या आप इसको फ्लावर भी बोल सकते हैं। देखिए मैंने पूरी कटिंग कर ली है और दोनों का अलग कर लिया है। बस इसको इस तरह से फोल्ड करते जाइए, घुमाते जाइए, फोल्ड करते जाइए, और एंड में ला के फेविकॉल से इसको पेस्ट कर दीजिए। और अगर आप सुई धागे का यूज़ करें, जैसा कि मैंने तो इसमें किया है, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ करें। शार्प ऑब्जेक्ट्स हमेशा पेरेंट्स के साथ ही बैठ के यूज़ करें, जिससे कि वो आपको बता सके कि उनका यूज़ कैसे करना है, और आप सेफ़ भी रहेंगे। तो बस इस तरह से अब मैंने इसमें रेड कलर का ही रेड और सुई धागा ले लिया है। और मेरे पास ये पॉम पॉम था तो मैंने इसमें ये भी यूज़ कर लिया। आप चाहें तो इसकी जगह वाइट मोती भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो इसको ऐसे ही पेस्ट कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ इसमें मैंने सिल्वर यूज़ किया है कलर, और सिल्वर से मैं इसको कवर कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने उसको कवर कर दिया है। कलर की चॉइस टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसा चाहते हैं। बस इसमें अब मैं फेविकॉल से इसको इस पर पेस्ट कर दूंगी, और ये एक साइड का तो हमारा बंद हो जाएगा बिल्कुल ही, और दूसरी तरफ हमने लगा दिया है टेप, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था गोल्डन के साथ हमने किया था, होल के ऊपर सील कर दिया था, टेप लगा दिया था, वैसे ही दूसरी साइड पे हम इसको सील कर देंगे और बंद कर देंगे। और ये देखिए दोनों रेडी हो गए। अब मैंने ले लिए हैं ये स्टिकर्स, जो बहुत इजीली मिल जाते हैं, हाफ पर्ल के हैं ये, बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप चाहे तो कलर्ड स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से बस इसको घुमाते हुए लगाते चले जाइए, बहुत सुंदर लगते हैं। और जहाँ पे ये ख़त्म हो उसके आगे से उतना ही गैप छोड़ के, जितना इनमें गैप है, नेक्स्ट स्टिकर लगाइए। तो बस इस तरह से रेडी हो जाएंगे आपके दोनों डांडिया, और बहुत सुंदर लगने वाले हैं। और डिज़ाइन की
टोटली आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का डिज़ाइन आप इस पे करना चाहते हैं। जैसे देखिए मैंने तो अब इस पे ये मेरे पास डबल साइडेड टेप था उसका भी थोड़ा सा यूज़ करके और इसको जो एक्स्ट्रा था वो कट करके इस पे लगा दिया है दोनों के बीच में सिल्वर और ब्लू के बीच में। और मैंने लगा दिया है ये फोम शीट जो बच गई थी उसका यूज़ किया है थोड़ा सा यहाँ पे इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं। ये देखिए रेडी हो गए हैं। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।